तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जमीन पर ही नहीं, इस आंदोलन को लेकर ऑनलाइन भी घमासान जारी है। कुछ दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह लखनऊ को घेरने का ऐलान कर दिया। इस कमेंट के बाद यूपी का राजनीतिक पारा बढ़ गया। इसका एक नजारा यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर भी दिखा। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक कार्टून शेयर किया है, जिस पर अब बवाल हो रहा है। ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 29 अगस्त को एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया है कि ओ भाई, जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। इसके साथ ही एक कार्टून भी शेयर किया गया है। इस कार्टून में एक शख्स को दिखाया गया है, उसके कंधे पर किसान आंदोलन का गदा है। राकेश टिकैत जैसा दिखने वाला ये व्यक्ति दूसरे हाथ से एक शख्स को बालों से घसीट रहा है, जिस पर दिल्ली लिखा है। बाहुबली नाम लिखा शख्स उससे कहता दिख रहा है कि सुना लखनऊ जा रहे तम कि मैं पंगा ना लई भाई, योगी बैठिया है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। हरियाणवी अंदाज में लिखे गए डायलॉग का मतलब है कि सुना है कि तुम लखनऊ जा रहे हो, ये पंगा मत लो भाई, वहाँ योगी बैठा है जो हालत खराब कर देगा और फिर पोस्टर भी लगवा देगा। ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। खबर बताए जाने तक इसे 3800 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके थे और 1000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके थे। तकरीबन 400 लोग कॉमेंट्स कर चुके हैं। बता दें कि 30 जून को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत के दौरान राकेश टिकैत ने बक्कल उधेड़ने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बक्कल उधेड़ देंगे। सड़क पर मंच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मंच पर आ जाएगा, अगर आना ही है तो बीजेपी छोड़ कर आए। बहरहाल यूपी बीजेपी के ट्वीट को लेकर ट्विटर पर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये किसानों को लेकर बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज की बुराई करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। सौरभ कुमार नाम के यूजर ने ट्वीट किया कि आपका कहने का मतलब क्या है, क्या किसान लखनऊ या यूपी में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता? तुम लोग एक इंसान के विरोध करने के अधिकार को नहीं छीन सकते। ऐसा लगता है तुम्हें पता है कि किसान कानून किसानों के हित में नहीं है। ये किसान बिल सिर्फ कुछ प्राइवेट संगठनों को फायदा पहुंचाने के लिए है। ऋषिकेश रानो लिखते हैं कि खुलेआम किसान को धमकी दी जा रही है, इस तस्वीर को हर किसान परिवार तक पहुंचाया जाए, बंगाल की तरह यूपी में खेला करना जरूरी है। ज्ञानेंद्र सिंह ने इस ट्वीट को किसान विरोधी बताते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश भाजपा ने किसानों की बक्कल उतारने की बात कही है, बाल पकड़कर घसीटने को कहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। किसान एक साथ मिलकर अपनी ताकत का एहसास कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को हटाने का काम करें, भाजपा हटाओ का नारा बुलंद करो। विजय ने ट्वीट किया, जिस तरह से कार्टून में दिखाया गया है, बीजेपी की किसानों के प्रति यही मानसिकता है। इन ट्वीट्स के जवाब में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। लगातार इस ट्वीट को किसान विरोधी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ट्वीट का बचाव करने के लिए सभी किसानों को इससे बाहर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं उससे ट्वीट उल्टा असर दिखाता नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस ट्वीट को यूपी बीजेपी का ट्विटर हैंडल डिलीट करता है या आलोचना के बावजूद ऐसे ही लगाए रखता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।